लगातार 6 साल उन्होंने टॉप लेवल पे बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है। क्या आप सभी लोग उनसे सीखना चाहेंगे? सभी लोग सीखना चाहेंगे? सो कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नन अदर देन वन एंड ओनली डॉक्टर प्रेम कुमार, डायरेक्टर प्रेसिडेंट ऑन द स्टेज। कैन वी हैव हिज ऑडियो विजुअल प्लीज, एक ऑडियो विजुअल के साथ Big round of applause. Thank you very much, Prem ji. Thank you. Gulen ji. मैं डॉक्टर साहब की बात में एक चीज जो है करेक्शन करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब ने कहा मैं सिखाने आया हूँ, मैं सिखाने नहीं आया हूँ। मैं जो पिछले 9.5 साल से कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वही बताने आया हूँ। क्योंकि मैं टीचर हूँ ना, मैं कोई ट्रेनर हूँ। मैंने जो सीखा है यहाँ से और जो मैं कर रहा हूँ वही मैं बता सकता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं बता सकता हूँ। बहुत सारे चेहरे यहाँ पे नए हैं, मैं पहली बार बहुत सारे चेहरों से रूबरू हो रहा हूँ। कितने लोग पहली बार मुझे मिल रहे हैं फेस टू फेस? काफ़ी लोग हैं जो पहली बार मिल रहे हैं। तो मैं जो कर रहा हूँ और ला करके मैं यहाँ तक आया हूँ, उससे पहले थोड़ा सा अपना परिचय दे दूँ। क्योंकि कभी भी कोई भी आदमी अपने बारे में बताता है या कोई सिखाता है, वो वही व्यक्ति बता सकता है जिस व्यक्ति ने उस काम को किया होगा। अगर जो व्यक्ति जो काम नहीं करता, वो व्यक्ति कभी भी किसी को कोई चीज बताएगा तो वो सही नहीं है। तो मैंने जो किया मैं वही चीज़ बताऊं, उससे पहले अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं, क्योंकि परिचय बहुत बड़ा है। लेकिन उस परिचय को अगर मैं प्रॉपरली देने जाऊं तो करीबन 40 साल लग जाएंगे, क्योंकि 40 साल उम्र हो चुकी है। तो 40 साल जो है अगर के बारे में बताऊंगा तो 40 साल ऑब्वियसली लगेंगे। लेकिन मैं उस 40 साल उम्र में जो है मात्र अगले 15 मिनट में मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या हुआ और मैं क्यों आज IMC में हूँ और मैं क्यों अपने इंटायर अपलाइन की सपोर्ट, अपने प्यारे टीम की सपोर्ट की वजह से जो है इस लेवल को मेंटेन कर पा रहा हूँ। तो क्या सुनना चाहते हैं? Yes! बड़ा अच्छा जो है नाम के साथ डॉक्टर साहब ने कहा डॉक्टर प्रेम कुमार, वो तो पता नहीं कैसे उपाधि मिल गई है ना। इस IMC में क्या क्या मिल जाएगा पता नहीं चलेगा नाम प्रेम कुमार, जन्म 17 अगस्त 1981 को दिल्ली में हुआ। रहने वाला वैसे बिहार का हूँ, मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और दिल्ली में जॉब करते थे, तो वहीं पे रहना हुआ, पढ़ाई हुआ। मैं जो है एक दिल्ली के टॉप 10 स्कूलों में से एक स्कूल में पढ़ता था। मेरे माता पिता का एक सपना था कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ाई करे और किसी एक अच्छे जो है जॉब में जाए। हर एक के माँ बाप का ये सपना होता है मिडिल क्लास फैमिली का कि बच्चा अच्छा पढ़े और एक अच्छे जॉब में जाए। तो मेरे माता पिता ने जो है दिल्ली के टॉप 10 स्कूलों में से एक स्कूल में एडमिशन करवाया। बहुत सारे लोग दिल्ली के होंगे उनको उस स्कूल का नाम पता होगा, टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि मायापुरी के अंदर। उस स्कूल में मैंने पढ़ाई किया, एडमिशन हुआ, पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 घर के कुछ हालात ऐसे हुए कि फीस ना जमा करने की वजह से जो है स्कूल में से नाम कट गया। और जब नाम कट गया तो फिर ऑप्शन ये था कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर लो या फिर कोई नौकरी कर लो। तो मैंने सोचा कि पढ़ाई करने के बाद भी क्या करना है, नौकरी। तो पढ़ाई करने के लिए मैं इतना समय जो वेस्ट करूँगा, उससे बढ़िया है कि नौकरी कर लूँ, कुछ कमा के अपने घर को सपोर्ट दे सकता हूँ उस पैसों से। मैंने नौकरी करना शुरू किया। पहली नौकरी जो मैंने स्टार्ट किया उस नौकरी के अंदर, उसके अंदर मेरे को सैलरी मिलती थी 1100 रुपये महीने का। और वो जॉब क्या था कि आज से पहले, आज लोग मोबाइल में गाना सुनते हैं, इससे पहले लोग CD में गाना सुनते थे, इससे पहले लोग टेप रिकॉर्डर में गाना सुनते थे। तो उस टेप रिकॉर्डर की कंपनी में मैं काम करता था और एज ए हेल्पर ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर पे बॉक्स लेके जाने होते थे। 1 महीने काम किया, 2 महीने काम किया, 2 महीने के अंदर जो है वहाँ पे कुछ काम को अच्छे से सीखा। तो एज ए कारीगर के रूप में मुझे वहाँ पे
प्रमोशन मिल गया तो डब्बे उठाने का काम, बॉक्स उठाने का काम बंद हो गया और कारीगर के रूप में मैंने काम करना वहां पे शुरू किया। सैलरी बढ़ने लगी लेकिन उस सैलरी से बस चल रहा था गुजारा। लेकिन जो टॉप 10 स्कूल में जो एडमिशन हुआ था ना वो भूत सवार था कि उस टाइम में जब मैं स्कूल में जाता था तो मेरे माता पिता मुझे 2 रुपए देते थे खर्च करने के लिए और मेरे साथ जो बच्चे आते थे उनकी जेब में 100 रुपए होते थे। 2 रुपए और 100 रुपए का डिफरेंस समझ में था, पता था कि बिजनेस से बहुत कुछ हो सकता है लेकिन बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा। जॉब करते 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 मैंने पार्ट टाइम में कंप्यूटर सीखा। कंप्यूटर के साथ जब कंप्यूटर सीखा तो कुछ दिनों के बाद दिल्ली में एक जगह है तुरोलबाग, तुरोलबाग के अंदर देशबंधु गुप्ता रोड है, उस देशबंधु गुप्ता रोड पे मैस्कॉट ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के अंदर मैंने जॉब करना शुरू किया एज ए परचेज मैनेजर। और जब एज ए परचेज मैनेजर मैंने जॉब करना शुरू किया तो मेरी सैलरी वहां पे 3500 रुपए हो गई। 3500 रुपए सैलरी हुई, काम को सीखा मैंने। और वो काम क्या था कि सीलिंग का काम था, फॉल सीलिंग का, कटर रॉड्स का, वुडन फ्लोरिंग का, उस काम को सीखा। और उस काम को सीखने के बाद दिल में चाह आई कि यार अपना बिजनेस करते हैं। अपने बिजनेस करने के लिए मैंने मार्केट से कुछ पैसा लिया और उस पैसे को लेके बिजनेस में लगाया। 1 महीने चला, 2 महीने चला, 3 महीने चला, 1 साल चला, 2 साल चला। जैसे जैसे बिजनेस चलता गया वैसे वैसे कर्जा सर पे चढ़ता गया, क्योंकि मार्केट में जब काम करते हैं तो उधार लगता है और जब उधार लगता है तो उधार आता बड़ी जल्दी नहीं है। तो जितना बड़ा काम उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही थी लेकिन इन्वेस्टमेंट खुद की नहीं थी। इस कारण से धीरे 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 करते 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 लोड बढ़ता गया। और हम जहाँ से बिलोंग करते हैं बिहार से, तो वहाँ पे क्या कहा जाता है कि अगर लड़की बड़ी हो गई 18 साल की तो शादी कर दो और लड़का कमाने लग गया तो शादी कर दो। तो लड़का कमाने लग गया था लोगों की नजरों में, रिश्तेदारों की नजरों में कि लड़का बहुत अच्छा कमाता है, शादी कर दो, घर सेट हो जाएगा। उसी बीच में रिश्ता आया और रिश्ता आया, कई रिश्ते आए, कई जगह मुझे लड़कियां ही पसंद नहीं आई, कई जगह लड़कियों को मैं पसंद नहीं आया। फाइनली एक लड़की पसंद आई और एक ही नजर में, एक ही बार में मैंने कह दिया यस शादी कर लेंगे। लड़की वालों ने देखा, पता किया, सब कुछ देखा सुना। और उस टाइम में मेरा ऑफिस हुआ करता था सादीपुर मेट्रो स्टेशन के पास। उस टाइम में मेट्रो स्टेशन नहीं था, सादीपुर मेट्रो स्टेशन के पास में एक सिनेमा हॉल है, उस सिनेमा हॉल के नीचे मेरा छोटा सा ऑफिस हुआ करता था। और मेरा ससुराल वहीं पे पटेल नगर में ही है। मेरे ससुराल वालों ने जाके ऑफिस का पता किया, ऑफिस था, काम भी चल रहा था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि काम एक्चुअल में बंद होने वाला है। तो मैंने भी उस काम को ना थोड़े दिन तक सर्वाइव किया क्योंकि लड़की पसंद आ गई थी, क्योंकि अगर काम बंद हो जाता शायद लड़की भी निकल जाती हाथ से। तो उस काम को जैसे तैसे करके सर्वाइव किया। मेरे साले साहब ने भी उस ऑफिस का जाके पता किया, उनको भी पता चला कि हाँ ये ऑफिस है। तो शादी हो गया, सब कुछ हो गया बढ़िया। कुछ दिनों के बाद, शादी होने के बाद 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता। और 3 महीने बीतने के बाद वाइफ कहती है कि आजकल आप ऑफिस नहीं जाते हैं। अब मैं उसको क्या बताऊं कि मैं ऑफिस क्यों नहीं जाता, ऑफिस होगा तभी तो जाऊंगा। मैंने कहा देखो जाने मन, नई नई शादी हुई है और नई नई शादी के बाद आदमी कभी भी छोड़ के अपनी धर्मपत्नी को नहीं जाता है। ये तो मैं अपने दिल को संतुष्टि दे रहा था क्योंकि मैं अंदर खाते नौकरी ढूंढ रहा था कि नौकरी कहीं मिल जाए तो अपना घर का गुजारा वापस से, लेकिन कब तक छुपाएगा आदमी अपने घर से। फाइनली मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है, मैंने अपना धंधा बंद कर दिया है, नौकरी की तलाश कर रहा हूँ और नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। फाइनली मुझे एक नौकरी मिल गई और उस नौकरी के साथ साथ मैं उस व्यक्ति को कभी भी भगवान नहीं कहता हूँ, क्योंकि भगवान ने इंसान को बनाया है और इंसान को एक गुरु दिया है। आप उसको गुरु कह लो, आप उसको टीचर कह लो, आप उसको कुछ भी कह लो, मैं उनको हमेशा अपना गुरु मानता हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे गुरु दिया, वो गुरु कोई और नहीं, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सत्येन भाटे जी। शादी 2006 में हुई, 2007 में मेरा बड़े वाला बेटा हुआ और 2007 में ही सत्येन जी से मुलाकात हुई। और 2007 में सत्येन जी से मुलाकात हुई, सत्येन जी ने IMC के बारे में बताया, सपने बड़े
यही पहले से सपने जगने शुरू हो गए। आईएमसी ज्वाइन किया, आईएमसी करना शुरू कर दिया। 2007 में 3 महीने बड़े शिद्दत से किया, लगातार 3 महीने दबा के काम किया। कंपनी का पहला टूर था उस टाइम में डलहौजी का, डलहौजी गया। दूसरा टूर मंसूरी का था, दूसरा टूर मंसूरी गया। तीसरे टूर में ज्ञान आ गया, ज्ञान 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 चंद मिल गया और मुझे ज्ञान आ गया। दूसरे टूर में गया ही नहीं, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारी कंपनियां चल रही थी, रातों रात करोड़पति बिना कुछ किए हुए। यहाँ एक का पति तो बना नहीं जाता, करोड़पति समझाने लगे। रातों रात करोड़पति, ज्वाइन किया कंपनी को, एक कंपनी दो कंपनी, एक गड्ढा खोदा, वो गड्ढा बंद होने से पहले दूसरा गड्ढा खोला, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, करते करते पता नहीं कितने गड्ढे खोल डाले। और एक टाइम ऐसा आया कि गड्ढों से वो समुद्र बन गया। लेकिन कहते ना, भगवान 2 से 3 बार 4 बार दरवाजे बार बार ढकढकाता है। सत्यन जी जब भी दिल्ली आते थे तो एक बार फोन कर लेते थे, क्या चल रहा है दिल्ली, कैसे चल रहा है। मैंने कहा चल रहा है, काट रहे हैं, खोज रहे हैं कुछ ना कुछ जुगाड़। सर ने कभी ये नहीं कहा मुझे कि आईएमसी करो। सर ने सिर्फ एक ही बात कही कि प्रेम जी करनी है तो कोई जेन्युइन कंपनी करो जो आपकी जिंदगी को संवार सके। ऐसा काम मत करो जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सके। वरना जनरली आदमी क्या कहता है, अरे कहां पर हो, मेरी कंपनी में आओ। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि जिंदगी संवार सके और आपके कैरियर को और आपके परिवार को, वो कंपनी करो। फाइनली बहुत सारी दिक्कतें आई उस दौरान, कंपनियां बंद हुई, क्योंकि रातों रात अमीर होने वाली कंपनियां एक्चुअल में वो रातों रात अमीर होने के लिए आती हैं, लोगों को अमीर करने के लिए नहीं आती हैं, वो खुद अमीर होती हैं और निकल जाती हैं। आजकल भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, ये क्वाइन वो क्वाइन ऐसी क्वाइन वैसी क्वाइन, है ना, हमने पता नहीं कितनी क्वाइनें बना के छोड़ डाली। जिसके मन में डाउट हो तो मेरे साथ बैठ लेना, अख्तर जी के साथ बैठ लेना, वाजपेयी जी के साथ बैठ लेना, आप ही के नाम का कॉइन बना के दे दूंगा। आज भी इतनी ताकत रखते हैं कि आप ही का कॉइन बना के दे दूंगा, लेकिन कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो अपने दिमाग से दोस्त गलतफहमी हटा लेना अगर कोई इस टाइप की कंपनियां कर रहे होगी तो, क्योंकि उससे कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में जब प्रोडक्ट बिकता है तभी पैसा आता है। अगर ऐसी कंपनियों से कुछ हो जाए तो ओझाजी ने बड़े सारे नाम दिखलाए थे, रतन टाटा, पता नहीं कौन से बाटा, सारे टाटा बाटा उसी कंपनियों में जाके पैसा लगा देंगे, अपनी सारी इंडस्ट्री बंद करके रख देंगे। क्या जरूरत है काम करने की, वो पागल है क्या, इतनी बड़ी कंपनी लगा रखी है, हम इस इतने बड़े होटल में बैठे हुए हैं, ये होटल वाला पागल है क्या। करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट और उसके बाद मेंटेनेंस, उसके बाद कोरोना का टेंशन, इसका टेंशन, उसका टेंशन, वो भी वहां पैसा लगा सकता है। लेकिन हमारा क्या लगता है, नहीं पड़ेगा, 4 पॉइंट खरीद लेते हैं, किसी को बताएंगे नहीं, किसी 2 लोगों को बता देंगे, जिंदगी बर्बाद। मैं भी यही सोचता था कि किसी को बताने की जरूरत क्या है, अपने पैसे डबल हो जाएंगे। जब 1 रुपए 2 रुपए होते थे तो अरे वाजपेयी जी क्या बढ़िया जबरदस्त आया है, आप भी आ जाओ, पता चलता था 2 के 4 नहीं होते थे बल्कि -6 हो जाते थे। वो -6 होते 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 जिंदगी में इतना माइनस हो गया कि देखते देखते 1 से 2 हुआ था, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुए। बेटे का एडमिशन जिस स्कूल में करवाया था उस स्कूल वालों ने जैसे मेरा नाम काटा था वैसे मेरे बच्चे का नाम काट दिया, सिर्फ ये रीजन कि फीस ना देने के कारण। मेरे फादर की रिटायरमेंट आ रही थी उस समय 2012 में, जब फादर की रिटायरमेंट आ रही थी तो मैंने एक माइंड सेट किया कि जब फादर की रिटायरमेंट होगी तो रिटायरमेंट में पैसा मिलता अच्छा होता था, पैसा मिलेगा, माँ बाप का इकलौता बेटा, गांव जाऊंगा, उस पैसे से जो है एक छोटा मोटा धंधा दुकान खोल लूंगा। रिटायरमेंट 2012 में होनी थी, उससे पहले कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि जिस कारण से मुझे दिल्ली छोड़ना पड़ गया। घटना ये थी कि लोगों के जो पैसे लगवाए थे ना, लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया था, उसमें से दो जहां बैठे हुए ढूंढने वाले, एक ये और एक वो, इनके पास मेरा पता था, इन्होंने कुछ फोरियां भेजा पता करने के लिए, लोग भेजे, लेकिन मैं तो वहां रहता ही नहीं था। लेकिन गांव चला गया,
किया, लेकिन बाद में मैं और मेरी वाइफ ने एक बात सोची, क्योंकि मेरी वाइफ का भी जन्म दिल्ली में हुआ, मेरा भी जन्म दिल्ली में हुआ, दोनों जने ने एक बात की कि आज हम लोग गांव में रह रहे हैं, लेकिन हमने अपने जो है 30 साल की उम्र जो है करीबन दिल्ली में बिताया है, हमारे बच्चे क्या कहेंगे कि वापस चलते हैं। मैं वापस आ गया अक्टूबर के महीने में, और अक्टूबर के महीने में वापस आया नवंबर में, मुझे कहते ना भगवान कभी ना कभी फिर से मिलते हैं। अगर आपके दिल में अगर भगवान के चाहने की चाहत हो तो भगवान जरूर मिलते हैं। मुझे फिर से पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता कैसे मेरी सत्या जी से दोबारा से फिर से मुलाकात हो गई, और वो महीना था नवंबर का 2012। 2012 में बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन आया, और वही 2012 की जिंदगी में मेरे जिंदगी में भी परिवर्तन आया। उस टाइम में दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगता है हर साल नवंबर के अंदर। उस टाइम कंपनी ने नवंबर में ट्रेड फेयर लगाया था। सर से बात हुई, सर ने कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा पापा के रिटायरमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। कह रहे क्यों? कह रहे मैंने कहा रिटायरमेंट होगा तो पैसा मिलेगा, कोई छोटा मोटा दुकानदारी करूँगा और जिंदगी बढ़िया से बिताऊँगा काटूँगा। तो सर ने कहा अभी क्या कर रहे हो? मैंने कहा अभी तो खाली बैठा हो। सर ने मुझे बुलाया, कहते प्रेम जी आप आ जाओ प्रगति मैदान, यहाँ पे ट्रेड फेयर है, इसमें आओ देखो। मैंने कहा सर फिर से वही कहोगे नेटवर्किंग करने के लिए, वो अपने बस की बात नहीं है, पता है कितनी जगह डुबा चुका हूँ और बर्बाद इतना हूँ कि लोगों से मुझे छुपाता हुआ फिर रहा हूँ, कहीं कोई लोग देख ना ले, इसलिए घर से बहुत कम निकलता हूँ। आप कह रहे हो प्रगति मैदान में आने के लिए, जहाँ की हजारों लाखों लोग आते हैं, जगह जगह के आते हैं, लेकिन पता नहीं सर के अंदर क्या है कि इनको देखने के बाद ना अच्छे अच्छे लोग इनकी तरफ खींचते चले जाते हैं। जैसे इतना प्यारा खूबसूरत चेहरा बुला रहा है, चली लेते हैं। पहुंचा, जब प्रगति मैदान पहुंचा तो हमारा स्टॉल लगा हुआ था 18 नंबर में हॉल के अंदर, और मैं गेट पे पहुंचा, मैंने फोन किया सर को कि सर अंदर आने के लिए 400 रुपए की टिकट है, क्योंकि स्टार्टिंग में बिजनेस आवर्स होते हैं, बिजनेस आवर्स में 400 रुपए की टिकट लगती है। मैंने कहा सर 400 रुपए की टिकट है, आपने कहा था आने के लिए, प्रेम जी आप टिकट लेके अंदर आ जाओ। मैंने कहा टिकट लेके अंदर तो आ जाओ, 400 रुपए है सर। कह रहे कोई बात नहीं आप टिकट लेके अंदर आ जाओ मैं दे दूंगा, मेरी जेब में 200 रुपए। अब 200 रुपए का जुगाड़ करना था, एटीएम में गया 200 रुपए निकाले और जाके टिकट लिए, और जाके मैंने कहा सर टिकट ले लिया। कह रहे अच्छा कोई बात नहीं आप आए बैठो। मैं बैठा हुआ था, आधा घंटा बीता, एक घंटा बीता, डेढ़ घंटा बीता, दो घंटा बीता, उसी बीच में एक शख्स आए और उन्होंने कहा प्रेम जी आप? मैंने कहा जी सर। तो अंदर क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर सर ने बुलाया था तो अंदर बैठे हो। कह रहे यहाँ अंदर बैठने से काम नहीं होगा, बाहर आओ। और वो शख्स कोई और नहीं, उनका नाम लूँ तो खड़े होकर जोरदार ताली, डॉक्टर अशोक पाटिया जी। उन्होंने मुझे सफेद कोट दिया, वो कोट पहना, और उस टाइम में हमारा हेल्थ किट आया करता था और उसमें ना एक एनर्जी कार्ड मिलता था। उन्होंने कहा ये लोग जो जा रहे हैं ना ये सारे के सारे किट खरीदने वाले हैं। किट खरीदने वाले? मैंने कहा आपको कैसे पता? मैंने कहीं लिखा तो हुआ नहीं, आओ मेरे साथ। निकला बाहर, जो भी जाए उसको पकड़े, कार्ड का डेमो, एक को दिया, दो को दिया, तीन को दिया, चौथे ने खरीद लिया। एमआरपी थी वो भी, तो उस टाइम सर ने बोल दिया था कि एमआरपी डीपी का जो मार्जिन होगा ना वो आपका होगा, अब बिजनेस वॉल्यूम भी आपका होगा। सुबह से शाम तक लगातार मैं लगा रहा। जब शाम को क्लोज हुआ तो वहां पे जो है हमारे अकाउंटेंट थे उनसे हिसाब हुआ, हिसाब करने के बाद में मेरे को 1500 रुपए दिए। कितने? 1500। अब टेंशन इस बात का था कि अभी 1500 में से 400 रुपए अगर मैं मांगूंगा तो कहीं 1500 के 1500 सत्ते से रखना ले, क्योंकि 400 रुपए अगर जो देगा अंदर आने का तो बाकी तो प्रॉफिट उसी का है ना। तो ये टेंशन था, मैं चुपचाप बैठा हुआ निकलने के चक्कर में था कि निकलना चुपचाप 1500 रुपए लेके। सर ने बुलाया, कहते कि प्रेम जी वो आपके 400। मैंने कहा सर नहीं 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 400। मैंने कहा कितने बजे आना वो बता दो।
रहे आज जितने बजे आए थे उतने बजे, मैंने कहा सर उससे एक घंटे पहले आऊं चलेगा, इमरजेंसी, मैंने कहा किसी और को लेके आऊं चलेगा, कह रहे एक को नहीं चार को लेके आऊं, मैं एक आदमी को और अपने साथ लेके आया, वो साथ में आया तो उसका वही बात था कि सर अंदर जाने का पैसे, मैंने कहा देख अंदर जाने का पैसा मैं दे दूंगा लेकिन जो कमाएगा उसमें से आधा ले लूंगा, उसको ये नहीं पता अंदर जाकर होने वाला क्या है, उसने कहा हाँ ठीक है। जब फाइनली बात खत्म हुआ, शाम हुआ अगले दिन, मैंने उसे बोला हाँ कितना कमाया, ठीक है, उस दिन उसे 2200 रुपये कमाए। ये सिलसिला कंटिन्यू 14 दिन तक चला, 14 दिन खत्म हुए, उसके बाद एक सेमिनार हुआ वहां पे हिंदी भवन के अंदर, हिंदी भवन में हमने उन सभी लोगों को बुलाया जिन्होंने सामान खरीदा था, वो सब लोग आए, उसमें से कुछ लोगों ने दोबारा से काम शुरू किया और क्लोजिंग हुआ, और उस महीने का जो है पे आउट मेरा सिल्वर कंटेन हुआ और पे आउट बना करीबन 8-9 हज़ार रुपये का। अब दिमाग में फिर से खुरापात शुरू, मैंने सोचा अब फादर की रिटायरमेंट है अगले महीने दिसंबर में, फादर कहेंगे घर चल, क्योंकि मेरी हरकतों से बड़े अच्छे से वाकिफ थे, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे कांड किए थे उस 3-4 साल के अंदर जिस कांड की वजह से वो चाह रहे थे कि कब ये यहाँ से निकले। मैंने क्या किया, अपने बेटे का एडमिशन करवा दिया स्कूल में, मैंने एडमिशन करवाया, पापा कहते कि एडमिशन क्यों करवा दिया बेटा, मैंने कहा अभी 3-4 महीने रुक जाएंगे कोई बात नहीं है, बच्चे का एग्जाम हो जाएगा, मार्च तक मेरा दिमाग था कि मार्च तक कुछ ना कुछ अपना काम सेटल रहेगा, क्योंकि माइंड हो गया था ओपन दिवस अब तो IMC इसके अलावा कुछ भी नहीं जाऊंगा दिल्ली छोड़ के, यही रहूंगा चाहे जो मर्जी हो, जो आए खोजने सबको देख लेंगे लेकिन करेंगे और वापस ही अपने सपनों को पूरा करेंगे। स्टार्ट किया काम करना, करते 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 जब मार्च बीता, बच्चे का एग्जाम खत्म हुआ, पापा कहते हैं कि चलो बेटा, मैंने कहा अभी नहीं 2 महीने और, चेयरमैन बना 8वें महीने में, एम्बेसडर बना, जब एम्बेसडर बना तो गाड़ी खरीदी, और हरिद्वार में सेमिनार था, उस सेमिनार में फादर को ये नहीं बोला कि IMC के सेमिनार में लेके जा रहा हूँ, फादर को बोला कि गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ, गया, और ये भी नहीं बताया था गाड़ी मैंने खरीदी है, मैंने कहा जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ आजकल मार्केटिंग का, उस कंपनी ने गाड़ी दे रखा है आने जाने के लिए, वो ड्राइवर भी दे रखा उसी कंपनी ने, मेरा ड्राइवर नहीं है। हरिद्वार गया, हरिद्वार में सेमिनार चल रहा था हाइफन होटल के अंदर, बहुत सारे लोग इस बार हाइफन होटल में रुके होंगे, पहले कंपनी का सेमिनार प्रोग्राम सब हाइफन में होता था, हाइफन होटल में सेमिनार चल रहा था, फादर सबसे पीछे जो खड़े हो गए, ये सोच रहे थे कब ये फिर से चक्कर में लग गया है, कब ये यहाँ से निकले और फिर इसकी मैं क्लास करूँ। सेमिनार शुरू हुआ, एक एक करके सबको बुलाया गया, फाइनली सबसे लास्ट में मुझे बुलाया गया, और जब पीछे से लोगों ने गोद में उठा के स्टेज तक लेके आए, फादर की आंखों से आंसू आ रहे थे। जब सेमिनार के बाद मैं गया उनके पास, कह रहे बेटा तूने अपने सपने को पूरा कर लिया और मुझे इस सम्मान से वो जो है तूने प्यार दिया है और वो तूने मुकाम दिया है जो मैं कभी सोच नहीं सकता। उससे पहले मैं छुपा के IMC के प्रोडक्ट घर में लेके जाता था, ठीक है देखो ना लिया, और उस दिन के बाद मेरे फादर खुद IMC के प्रोडक्ट यूज करने लगे और उसके बारे में प्रचार करने लगे, लोगों को बताने लगे कि ये पेन ऑयल से घुटनों का दर्द मेरा आराम हो गया है, तुलसी, उनको हमेशा जो है पेट की प्रॉब्लम रहती थी, तुलसी और एलोवेरा उन्होंने पीना शुरू किया तो कहते हैं पेट का जो है प्रॉब्लम था वो सही हो गया, प्रचार करना शुरू कर दिया ऑटोमेटिकली, और धीरे धीरे करते 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 जो है पता नहीं चला कि कैसे जो है ये सारे 9 साल बीत गए और किस तरीके से ये सारी अचीवमेंट्स आ गई। मैं इस बिजनेस में सिर्फ ये सोच के आया था कि जिंदगी ठीक ठाक से चल जाए, जिंदगी ठीक ठाक कट जाए, लेकिन इस बिजनेस की पावर है कि ये सारी चीज़ें जो है मिल रहा है आज, ये मेरी पावर नहीं है, ये सिस्टम की पावर है और ये पूरे बैठे हुए टीम की पावर है और मैनेजमेंट की पावर है। पॉसिबल हो रहा है, लेकिन पॉसिबल क्यों हो रहा है, क्योंकि 2007 में और 2012 में गैप कितने साल का, 5 साल का, और इस 5 साल में मैंने जो गलतियां की वो गलतियां मैं नहीं चाहता हूं कि कोई दोहराए, इसीलिए मैंने बताया कि 2007 में मिला लेकिन दोबारा मैंने बिजनेस 2012 में शुरू किया। बहुत से लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं,
क्योंकि बादाम खाने से अकल नहीं आती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि बच्चों को बादाम खिलाओ बच्चों को अकल आएगी, बच्चे का दिमाग तेज होगा। मैं कहता हूँ बादाम खाने से अकल नहीं आती है, ठोकर खाने से अकल आती है। तो ये है कि ठोकर खुद खा लो या जिसने ठोकर खाया उसकी बातों से समझ लो। लेकिन लोग कहते नहीं कि हम तो ठोकर खा के देखेंगे, तो देख लो 5 साल मेरी तरह बर्बाद कर लेना, है ना। नहीं तो ठोकर खाए हुए इंसान से सीख लो। यहाँ पे एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी बैठे हुए हैं, पता नहीं उन्होंने क्या क्या कॉइन निकाल दी जो आजकल लोग चल रहे हैं, ये कॉइन वो कॉइन फलाना कॉइन, उन सबको देख लिया रातों रात। जो है ना कहते ना इधर से इस खिड़की से पर्ची देते थे, उस खिड़की से पैसा डबल मिलता था बॉम्बे के अंदर। सिर्फ पर्ची देने की ताकत होनी चाहिए थी, जिसने पर्ची दे दी इधर से 1 लाख उधर से 2 लाख लेके निकलता था। यानी कि ऐसी ऐसी चीजें हमने देखी है, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता है। लोग कहते हैं इनको क्या पता है, इन्होंने कुछ जानते ही नहीं है। लेकिन ये नहीं पता कि दोस्त जिस स्कूल में पढ़ रही हो ना उस स्कूल के हेडमास्टर को हम पढ़ाते थे। हेडमास्टर भी थे उस स्कूल के, हेडमास्टर को पढ़ाते थे, लेकिन देखने वाले बोले हैं। लेकिन फाइनली समझ में आ गया कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग किसे कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है। और जब समझ में आया तो सिस्टम के साथ काम करना शुरू किया। सत्यन सर के साथ बैठा और उनसे पूछा, सर इस बिजनेस में कामयाब होना है क्या करना पड़ेगा। इन्होंने कहा एक काम करो सबसे पहला। मैंने कहा क्या, कहते अपना दिमाग मत इस्तेमाल करना। मैंने कहा वो है ही नहीं, अगर होता तो कहीं और होते, है ही नहीं। कहते जो है बचा खुचा भी वो भी इस्तेमाल मत करना, क्योंकि थोड़ा सा पैसा आएगा दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा दिमाग को चलने नहीं देंगे जी, अपना दिमाग इस्तेमाल मत करो, जो सिस्टम कहता है उस सिस्टम को फॉलो करो। कोई दुनिया की ताकत नहीं है मेरे दोस्त जो आपको कोई नूर बनने का मौका दे। कोई नहीं रोकता, पता कौन है, खुद। ये पता भी है, ये सबको पता है कि रोकता कौन है, खुद। तो हम रुकते क्यों है। एम्बेसडर पे बैठे हुए खुश है, अरे बहुत ही ना एम्बेसडर, कम थोड़ी ना है। क्राउन एम्बेसडर बन गए, चेयरमैन बन गए, बस खुश हो गए, लाख 2 लाख रुपया आ रहा, संतुष्टि हो जाती है लोगों की। लाख 2 लाख रुपए में संतोष क्यों, रीजन लाख 2 लाख रुपए क्यों संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपके साथ वाला 20,000 रुपए कमा रहा है, आपका दोस्त 25-30,000 रुपए कमा रहा है, आप कितना कमा रहे हो, लाख रुपए। वो बेचारा जो है अपने शहर से दूसरे शहर में नहीं जा रहा, आप कहां बैठे हो, आज आके फुकेट में, कुछ दिनों के बाद कहां बैठे होंगे, बैंकॉक में, कभी बैठे होते दुबई में, कभी बैठे होते कश्मीर में, कभी बैठे होते हरिद्वार में, तो उससे अच्छे हो। इसलिए लगता है बस, ये बस वाला शब्द है ना वो निकाल दो, क्योंकि बहुत कुछ है जिंदगी में, बहुत कुछ है इस दुनिया के अंदर देखने को पाने को, जहां पे हो उससे आगे निकलना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए क्या है कि अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा। अपलाइन से कमिटमेंट मत करो, डाउनलाइन से मत कमिटमेंट करवाओ, खुद से कमिटमेंट करो कि मैं अपनी जिंदगी में ये चीजें करूंगा, और अपने सपनों की लिस्ट हमेशा बढ़ाते रहो। यानी कि एक सपना पूरा हो गया तो ये नहीं कि बहुत सारे लोग, अरे सर फुकेट तो घूम लिए, बैंकॉक जाके क्या करेंगे, अरे बैंकॉक तो पिछली बार भी आए थे फिर दोबारा क्या करेंगे। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे सर मैं तो बैंकॉक 2 बार आ चुका हूँ, तीसरी बार क्या करने जाऊंगा, खाना एक बार खाया बार बार क्यों खाते हो, बार बार आओ ना, नया नया चीज नई नई चीजें देखने को मिलेंगी जानने को मिलेंगी। बैंकॉक या कोई भी देश या कोई भी चीज खत्म नहीं होता, हमेशा बढ़ता रहता है। आज फुकेट आए हो, फुकेट घूमने के लिए कितने दिन लग जाएंगे, 4 दिन में जा रहे हो दोबारा फिर आना पड़ेगा। पैसा 1 लाख रुपए आ रहा है आपको लगता है बहुत बड़ी चीज है, आपके पास 50,000 रुपए आ रहा है आपको बहुत बड़ी चीज लगती है, मेरे दोस्त 1 लाख रुपए दे दो 1 घंटे में खर्च करके दिला दूंगा। तो 1 लाख रुपए कॉलर खराब, 1 लाख रीजन कि हमारे बगल वाला 20,000 रुपए कमाता है, हम कितना कमाते हैं 1 लाख रुपए। हमें स्टेज पे माला मिलता है, मान सम्मान मिलता है, हजारों की टीम है, सर 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 कहने वाले लोग हैं, हमारा तो बिल्कुल साला में तो साहब बन गया। और साहब कहीं काम करता है, साहब काम नहीं करता, काम करवाता है। और यही रीजन है कि हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, हम आगे नहीं बढ़ रहे, हमारी टीम आगे नहीं बढ़ रही, यही रीजन है।
क्या आगे बढ़ना चाहते हैं? Yes! क्या आपके सपने हैं? Yes! कह रहे हो बस, कह रहे हो yes! कुछ लोग कह रहे हैं yes, कुछ लोग कह रहे हैं बस। सर डांस प्रोग्राम लाओ ना। थाईलैंड में भी आके जो ये बातें कर रहे दोस्त, थाईलैंड तो बार बार आ सकते हो, कोहिनूर एक बार बन जाओ, थाईलैंड आके ही बच जाना परमानेंट कंपनी में से। थाईलैंड आने के नाम पे बड़े सारे लोग ताली बजा रहे हैं बसने के नाम पे खास करके, क्योंकि ये जगह ये इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत है, इतना इतना नेचर है यहाँ पे देखने को, है ना। पता नहीं क्या क्या यहाँ पे शूटिंग हुई है, लोग यहाँ पे आने के बाद तो बिंदास घर बार, बहुत से लोग तो घर ही भूल गए कि मेरा घर कहाँ है, क्योंकि नंबर तो चलेगा तो नंबर चलेगा तो बहुत सारे लोग यहाँ पे शादी शुदा है, वो नंबर ही चालू नहीं किया होगा उन्होंने, जान बूझे कि फोन ना आ जाए घर से, मैंने मेरा चालू है दिल्ली वाला नंबर और डेली बात होती है। तो मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ, बताने से पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि जो मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे बैठे हुए 100% लोगों को पता है। कितने परसेंट? कितने परसेंट? 100%। लेकिन आपके पास थोड़ी देर पहले एक बोतल आई थी पानी की, है ना सबके टेबल पे? अच्छा, वो बोतल भरी हुई थी खाली थी? भरी थी। अब वो खाली हो गई होगी, लेकिन कुछ लोगों के अभी भी पास वो बोतल भरी हुई होगी, है ना, नहीं पी होगी। उसमें पानी रखेंगे तो क्या होगा? बाहर जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो हमारा दिमाग खाली है या भरा हुआ है? खाली है। 98% का भरा हुआ है। Yes. 98% का भरा हुआ है, और भरी हुई चीज में कुछ भी चीज नहीं जाती है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा। और खाली क्या करना पड़ेगा? कि मैं चेयरमैन हूँ भूल जाओ, मैं एम्बेसडर हूँ भूल जाओ, मैं क्राउन एम्बेसडर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, कुछ भी हूँ, साइड कर दो, तभी कोई बात दिमाग में जाएगा। और मैं एक बात की गारंटी करता हूं कि जो मैं बताने वाला हूं ना, अगले एक साल कर लेना। कितना टाइम? एक साल। एक साल, और दिल से कर लेना। किससे? दिल से। दिल से, दिमाग से मत करना। अगर दिमाग से किया तो नहीं होने वाला है, अगर दिल से किया तो गारंटी है जुलाई में बैंकॉक में बैठे होंगे और अपनी टीम के साथ बैठे होगा अकेले नहीं। तैयार है? yes! थोड़ा सा साथ देना मेरा, है ना? yes! क्या लिखा हुआ है जी? कामयाबी का राज, कामयाबी का सीक्रेट। ये वो सीक्रेट है जो मैंने अपनी जिंदगी में किया, मैंने इस बिजनेस के अंदर किया, वही बात मैं बताने वाला हूं और कुछ नहीं बताने वाला हूं।